पावरफुल स्मार्टफोन अंडर 12,000 रुपीज। हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो पे। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम आपको टॉप 5 बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन बताएंगे जिसे आप खरीद पाएंगे अभी के टाइम पे 12,000 के प्राइस रेंज में। अगर आपको 12,000 रुपए में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, फिर एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए, तो ये वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। बिकॉज मैंने जो 5 स्मार्टफोन को सिलेक्ट किया है, ये सभी फोन एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन है जिनमें इस प्राइस रेंज के हिसाब से एक अच्छा पावरफुल प्रोसेसर मिलेगा। अगर आप इस फोन में गेमिंग वगैरह भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, उसके साथ साथ हाई रिफ्रेश रेट भी होगा 120Hz तक का। फास्ट चार्जर का सपोर्ट मिलेगा, बड़ा रैम स्टोरेज होगा एंड कैमरा भी बढ़िया ही मिलेगा। तो इन सभी फोन के छोटी से बड़ी स्पेसिफिकेशन को आपको डिटेल्स में बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज का प्यारा वीडियो को। नंबर एक। तो अपने लिस्ट में पहले नंबर पे आता है पोको की तरफ से पोको M5 4G। इस फोन को हमारे लिस्ट का सबसे लेटेस्ट फोन कह सकते हैं एंड यह एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन भी है। चलिए देखते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.9 mm का थिकनेस एंड 201 ग्राम इस फोन का वेट है। ये चीज को लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं। और कुछ छोटी मोटी फीचर की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। ट्रिपल कार्ड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 12 पर बेस है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इस फोन में 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 240Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। ये चीज जो है ना गेमिंग के लिए काफी बढ़िया है, जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। 1100 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा जिससे आपको डे लाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन भी है। तो डिस्प्ले फोन का बढ़िया ही है। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। इस फोन के पीछे के साइड 3 कैमरा मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि डेप्थ सेंसर और माइक्रो सेंसर है एंड सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल का है। प्राइमरी कैमरा का 1.8 का अपर्चर है और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। तो इनमें मीडियाटेक हेलियो G99 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। और आपको बता दें कि यह मीडियाटेक का जो है ना लेटेस्ट प्रोसेसर है। प्रोसेसर इस फोन का पावरफुल है, अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और 3.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि 11,000-12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर बढ़िया है। बात करेंगे बैटरी का, तो इनमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 18W का चार्जर को। और इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 512GB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और ये जो है ना इस फोन का बेस वेरियंट है और इसी को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 11,000 रुपया देना होगा। इस फोन का और एक वेरियंट आता है 6128, उसको लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 13,000 रुपया देना होगा। अगर आपको 12,000 के अंडर में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए अभी के टाइम पे, तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आप इस फोन को लेना चाहे तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपनी लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 2। अपने लिस्ट में दूसरे नंबर पे आता है रेडमी की तरफ से रेडमी नोट 11। जी हाँ दोस्तों, यह फोन भी 12,000 के आसपास में ही देखने को मिलेगा। अगर आपको 12,000 रुपए में अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और हाँ, यह फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन भी है 12,000 के प्राइस रेंज में। तो चलिए बताते हैं क्या कुछ इस फोन में मिलेगा। तो इस फोन में 6.4 इंच का फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले मिलेगा जिनमें 1000 nits का पीक ब्राइटनेस दिया गया है। 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी मिलेगा एंड इसके ऊपर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन भी है। डिस्प्ले नो डाउट काफी बढ़िया मिलेगा जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। अब बात करते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है एंड 3.5 लाख के आसपास इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि इस प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर ठीक ठाक है। प्रोसेसर ऐसा है कि अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ये प्रोसेसर जो है ना मीडियाटेक हेलियो G96 जैसा है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फोन का बैटरी का। इस फोन में 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का प्रो फास्ट चार्जर को और ये चार्जर आपको बॉक्स के अंडर में ही देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, सेकंड कैमरा 8 मेगापिक्सल का है जो कि अल्ट्रा वाइड कैमरा है। थर्ड कैमरा, फोर्थ कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है। और सेल्फी कैमरा 13 मेगापिक्सल का दिया गया है। कैमरा जो है इस फोन का बढ़िया मिलेगा एंड आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। इस फोन में 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। अगर आप इस फोन में एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड को लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। इस फोन का प्राइस को आखिरी में बताएंगे, उससे पहले अगर डाल लेते हैं इनका अदर फीचर पे। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ ये फोन भी है। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। इस फोन को एक अच्छा लाइट वेट फोन कह सकते हैं क्योंकि 179 ग्राम इस फोन का वेट है एंड 8.1mm का थिकनेस है जो कि काफी पतला सा फोन है। तो डिजाइन वगैरह एंड बिल्ड क्वालिटी वगैरह बढ़िया ही है। और कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा। डेडिकेटेड स्लॉट इसमें भी दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी
दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो MIUI 13 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी में इस फोन का प्राइस का। तो 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,500 के आसपास में देना होगा। अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा स्मार्टफोन चाहिए, आई मीन एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन चाहिए, तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप इस फोन को लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अपने लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 3। अपने लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है Realme की तरफ से Realme 9i 4G। फिलहाल के टाइम पे यह फोन 11,000 मिल रहा है और इस प्राइस रेंज के हिसाब से यह फोन एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन बन जाता है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ इस फोन में दिया गया है। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 8.4mm का थिकनेस है, थिकनेस भी ठीक ठाक ही है एंड 190g इस फोन का वेट है, वेट को लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं। फोन का डिजाइन वगैरह जो है ना काफी खूबसूरत सा लगता है देखने में। और कुछ छोटी मोटी फीचर की बात करेंगे तो डेडिकेटेड स्लॉट मिलेगा जिससे आप डबल सिमेंटिक मेमोरी कार्ड को साथ लगा सकते हैं। 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर भी दिया गया है। यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो Realme UI 2.0 के साथ आता है जो कि Android 11 पर बेस है। तो चलिए बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD प्लस LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। स्मूथनेस इस प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है और 480Hz का ब्राइटनेस भी मिलेगा, ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं बट हां ठीक ठाक ही है। ये तो हो गया डिस्प्ले, अब बात कर लेते हैं फोन का परफॉर्मेंस का। तो इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 70,000 प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है। प्रोसेसर इस प्राइस रेंज के हिसाब से बढ़िया है, आई मीन अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अगर बात की जाए बैटरी का तो इनमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। ये चार्जर 11,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से काफी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं कैमरा का। तो इस फोन के बैक साइड 3 कैमरा मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकंड कैमरा, थर्ड कैमरा 2-2MP का दिया गया है जो कि माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है, और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। कैमरा इस फोन का बढ़िया ही मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। इस फोन में 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 1TB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। और ये फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 11,999 रुपया में। इस फोन का और भी वेरिएंट आता है जैसे 4128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 12,500 रुपया देना होगा एंड 6128 के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 13,500 रुपया देना होगा। बट इस फोन का बेस वेरिएंट ही आपके लिए एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन हो सकता है। तो अगर आपको 12,000 के अंडर में एक अच्छा पावरफुल स्मार्टफोन, गुड लुकिंग स्मार्टफोन हो तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 4। अपने लिस्ट का चौथे नंबर पे आता है मोटो की तरफ से मोटरोला G52। जी हाँ दोस्तों, यह एक 4G फोन है। फिलहाल के टाइम पे यह फोन आपको 12,000 रुपया में मिल जाएगा। अगर आपको 12,000 रुपया में एक अच्छा ऑलराउंडर टाइप का बेस्ट स्मार्टफोन चाहिए अभी के टाइम पे तो नो डाउट यह फोन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो क्या कुछ इस फोन में दिया गया है, क्या स्पेसिफिकेशन होने वाला है, तो चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं। प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी है, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है। 169g इस फोन का वेट है जो कि एक अच्छा लाइट वेट फोन कह सकते हैं इसको। और 7.9mm का थिकनेस है जो कि काफी पतला सा एंड स्लिम फोन है। तो इस फोन का डिजाइन वगैरह जो है ना काफी खूबसूरत सा लगता है, खास करके व्हाइट कलर वाला जो है ना काफी खूबसूरत लगता है देखने में। छोटा मोटा फीचर की बात करेंगे तो 3.5mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा और हाइब्रिड स्लॉट दिया गया है। इनमें भी साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर मिलेगा और फेस अनलॉक का सपोर्ट भी है। ये फोन प्योर स्टॉक एंड्रॉइड के साथ आता है जिससे आपको एक भी ब्लॉटवेयर एप्स और एड्स नहीं दिखेगा जो कि रन करता है एंड्रॉइड 12 पर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। इस फोन में OLED डिस्प्ले मिलेगा जो कि 6.6 इंच का फुल HD प्लस है जिनमें 90Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 360Hz का टच सैंपलिंग रेट दिया गया है। स्मूथनेस जो है ना काफी हैवी लेवल का दिया गया है जिससे अगर आप इस फोन में गेमिंग भी करना चाहते हैं तो वो भी काफी स्मूथली कर सकते हैं। एंड 500 nits का ब्राइटनेस भी मिलेगा जो कि ठीक है जिससे आपको डेलाइट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं होगा। इस फोन का डिस्प्ले बढ़िया मिलेगा जिससे आपको मूवी देखने में या फिर गेमिंग करने में काफी मजा आएगा। तो बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इनमें 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50MP का है, सेकंड कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा है जो कि 8MP का है, थर्ड कैमरा 2MP का है और सेल्फी कैमरा 16MP का दिया गया है। और आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। नो डाउट कैमरा इस फोन का काफी बढ़िया मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का परफॉर्मेंस एंड पावर हाउस का। इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 680 वाला एक 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है। 2.5 लाख प्लस इस फोन का अंतुतु स्कोर भी है जो कि 12,000 के प्राइस रेंज के हिसाब से स्कोर ठीक ठाक ही है। बात करें बैटरी का तो इनमें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का चार्जर को। तो बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का। इस फोन में 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। ये इस फोन का बेस वेरिएंट है और यही फोन फिलहाल के टाइम पे आपको मिल जाएगा 12,000 रुपया में। इस फोन का और एक वेरिएंट है 6128 जिसको लेने के लिए फिलहाल के टाइम पे आपको 13,000 रुपया देना होगा। तो अगर आपको 12,000 के प्राइस रेंज में एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहिए तो नो डाउट यह फोन भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एंड अगर आप इस फोन को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज चलिए वीडियो में आगे बढ़ते और बात कर लेते अपने लिस्ट का अगला फोन का। नंबर 5।
तो अपने लिस्ट में आखिरी फोन आता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 50। अगर आपको इस प्राइस रेंज में प्योर गेमिंग स्मार्टफोन ही चाहिए तो नो डाउट यह फोन आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि यह फोन जो है स्पेशल गेमर को टारगेट करता है और जो गेमिंग के लिए इसमें सभी फीचर काफी तगड़ा लेवल का दिया गया है। इसे बकवासबाजी को साइड में रखते हैं, क्या कुछ इस फोन में मिलेगा चलिए एक एक करके डिटेल्स में जान लेते हैं। तो प्लास्टिक बिल्ड पे बना हुआ यह फोन भी दिखेगा, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम दिया गया है और 8.5 mm का थिकनेस है। थिकनेस ठीक ठाक ही है, आई मीन ज्यादा मोटा फोन भी नहीं है और 194 ग्राम इस फोन का वेट है, वेट को लगभग नॉर्मल ही कह सकते हैं। खैर कुछ बेसिक फीचर की बात करेंगे तो 3.5 mm वाला हेडफोन जैक मिलेगा, डेडिकेटेड स्लॉट दिया गया है जिससे आप डबल सिम एंड एक मेमोरी कार्ड को एक साथ लगा सकते हैं। इनमें भी फेस अनलॉक का सपोर्ट मिलेगा और साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट का सेंसर दिया गया है। और यूजर इंटरफेस की बात करेंगे तो रियलमी UI 2.0 के साथ आता है जो कि एंड्रॉइड 11 पर बेस है। ये तो हो गया इस फोन का कुछ बेसिक फीचर, अब बात कर लेते हैं इस फोन का मेन फीचर्स का। तो इस फोन में 6.6 इंच का फुल HD प्लस IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलेगा जिसमें 480 निट्स का ब्राइटनेस भी दिया गया है। देखिए इस चीज को ज्यादा तो नहीं कह सकते हैं बट हाँ ठीक ठाक ही है, आई मीन किसी भी फोन में मिनिमम 500 निट्स का ब्राइटनेस तो होना ही चाहिए तब वो ठीक रहता है, ये भी चल जाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बात करेंगे स्मूथनेस की तो 120Hz का स्क्रीन रिफ्रेश रेट एंड 180Hz का टच सैंपलिंग रेट भी दिया गया है। स्मूथनेस इस फोन का काफी बढ़िया दिया गया है, खास करके गेमिंग के लिए काफी अच्छा है, जैसे अगर आप इस फोन में गेमिंग करेंगे तो वो भी काफी स्मूथली कर पाएंगे। डिस्प्ले खास करके गेमिंग के लिए काफी अच्छा मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का कैमरा का। तो इस फोन में 53 रियर कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, बाकी का कैमरा 2-2 मेगापिक्सल का है जो कि माइक्रो सेंसर और डेप्थ सेंसर है और सेल्फी कैमरा 16 मेगापिक्सल का दिया गया है। एंड आप रियर एंड फ्रंट कैमरा से 1080p पर वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 30fps पर। देखिए कैमरा जो है ना इस प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक ठाक ही कह सकते हैं, आई मीन थोड़ा सा मिसिंग यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा है, अगर अल्ट्रा वाइड कैमरा रहता तो बढ़िया रहता। खैर कोई नहीं, कैमरा ठीक ठाक ही है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस का। तो इस फोन में MediaTek Helio G96 वाला एक पावरफुल 4G प्रोसेसर मिलेगा जो कि यह प्रोसेसर 12 नैनोमीटर पर ही बना हुआ है, बट प्रोसेसर काफी पावरफुल है जिससे आप इस फोन में अच्छा खासा गेमिंग कर सकते हैं। और बात करेंगे बैटरी का, तुम्हें 5000mAh का बैटरी मिलेगा जो कि सपोर्ट करता है 33W का डार्ट चार्जर को और ये चार्जर भी बॉक्स के अंदर में ही देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं इस फोन का रैम स्टोरेज का, इनमें 4GB का रैम एंड 64GB का इंटरनल स्टोरेज मिलेगा और आप मैक्सिमम 256GB तक का मेमोरी को इसमें लगा सकते हैं। ये फोन कुछ दिन पहले 10,000-11,000 rupees में खुलेआम मिल रहा था बट फिलहाल के टाइम पे यह फोन 13,000 rupees में मिल रहा है, आई मीन ये फोन उनके लिए बेस्ट होगा जिनका बजट अभी के टाइम पे 12,000 से थोड़ा सा ज्यादा है, या फिर अगर आप इस फोन को कुछ टाइम वेट करके खरीदते हैं तो आराम से यह फोन आपको 10,000-11,000 rupees में मिल जाएगा। खैर अब आपके पास 5 ऑप्शन है, आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेटर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।